जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। अगर घर में दिखाई दे ये संकेत तो समझ लीजिए आप पर बरसने वाली है माता रानी की कृपा। आइए जानते हैं इसके बारे में। नवरात्र चालू है और सभी लोग बहुत ही जोर शोर से माता रानी को अपने अपने तरीके से अपने घर बुलाने में लगे हुए हैं। माता रानी को मना रहे हैं अपने घर लाने के लिए और माता रानी थोड़े थोड़े कदम आपके घर के ओर भी ले रही हैं। किसी ने कलश स्थापना की है, बहुत सारे खास मनोकामनाओं के साथ हरे हरे ज्वारे बोए हैं मनोकामनाओं के साथ, तो कोई अखंड दीप चला रहे हैं, तो कोई माता का भजन कर रहे हैं। जिसके लिए जो श्रद्धा शक्ति है वो कर रहे हैं। जिसके पास जितना साधन हो, जिसके दिल में जितनी श्रद्धा हो, भक्ति हो, उतनी पूजा करना, उतनी माता रानी की सेवा करना, और आप देखेंगे कि कैसे माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। नवरात्र में अगर आप भी किसी खास मनोकामना के साथ कलश स्थापना करते हैं या माता की पूजा करते हैं तो ये जरूर जानना चाहिए तो माता रानी ने हमारी पूजा एक्सेप्ट की है या नहीं। ये भक्ति और विश्वास की बात है। और अगर आप इन 9 दिनों के दौरान अपने आसपास देखेंगे कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होते हुए, जो छोटी छोटी चीज भी होती हैं जो नॉर्मली नहीं होती है, तो आप समझ जाएं कि आपकी पूजा सफल हो गई है। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी ही चीज़ें जिन्हें आप देख करके ये जान सकते हैं आपके आसपास जो चल रहा है वो गलत है या सही। हमारे भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें भी वास्तु एवं जीव संबंधी बहुत सारी बातें शुभ अशुभ की जानकारी दी गई है। इसी के माध्यम से मनुष्य को अपने आने वाले शुभ और अशुभ के बारे में जानते हैं। आपने अक्सर ये बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि घर में अगर बिल्लियां लड़ती हैं तो वहां पर शीघ्र ही विघटन की संभावना होती है, अलग अलगाव होते हैं, मतभेद होते हैं। जिस भवन के द्वार पर गाय आकर जोर जोर से रंभाए उस घर के सुख में वृद्धि होती है, और जिस घर के पास कुत्ता मुंह करके रोए तो घर में कोई विपत्ति आने वाली होती है या किसी की मृत्यु होने वाली होती है। काली चींटियों का समूह वृद्ध होकर के घूमता है तो ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, लेकिन मतभेद भी होते हैं। और कबूतरों का वास शुभ माना जाता है, कोई कोई लोग इसे अशुभ भी मानते हैं। मकड़ी के चाले नहीं होने चाहिए, ये शुभ नहीं माने जाते। आपके घर के सीमा के अंदर मोर का रहना या आना शुभ माना जाता है। जिस घर में बिच्छू कतार बनाकर बाहर जाते हुए दिखाई दे तो समझ ले कि वहां से लक्ष्मी माता जाने की तैयारी कर रही है। पीले रंग का बिच्छू माया का प्रतीक होता है। अगर ये बिच्छू घर से निकले तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। जिस घर में बिल्लियां आकर के विष्ठा कर जाती है वहां कुछ शुभ लक्षण प्रकट होते हैं। घर में अगर चमगादड़ों का वास हो जाए तो ये अशुभ माना जाता है। जिस भवन में छछुंदर घूमते हैं उस घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और अगर द्वार पर, जैसे कि आजकल बहुत सारे बाबा हाथी को लेकर द्वार के द्वार जाते हैं, ऐसे में अगर आपके द्वार पर आकर हाथी अपनी सूंड ऊंची कर दें तो ऐसे में महा उन्नति वृद्धि और महामंगल होने की सूचना मिलती है। अगर घर में आपके चूहे हैं और काले रंग के चूहे हैं और ज्यादा हो गए हैं तो किसी व्याधि के अचानक आने की संकेत है, तो इसके लिए आप जल्दी उन्हें बाहर करें। अगर आपके घर या मुंडेर पर कोयल या सोन चिड़ैया चिहचिहाती है तो वहाँ निश्चय ही लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जिस घर के आंगन में कोई पक्षी घायल होकर गिरे वहाँ दुर्घटना के आसार रहते हैं, इसलिए वहाँ तुरंत ही साफ करके गंगा जल और गोबर छिड़क दे। जिस भवन की छत पर कौवे के टिटेरी उल्लू घोर शब्द करे तो वहाँ किसी न किसी समस्या का अचानक से आने का संकेत होता है। उल्लू का एक अच्छी चीज भी है, सपनों में उल्लू का आना कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सपने आते हैं, लेकिन नवरात्र के विशेष दिनों में अगर कुछ खास सपने आए तो वो आपको खास संकेत देते हैं। अगर आपने धन संपदा पाने की मनोकामना के साथ इस व्रत को किया है और इन 9 दिनों में आपने अगर कभी भी सपने में उल्लू देखे तो ये माता लक्ष्मी का आपके घर आने का संकेत है।
उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के अलावा दिवाली में भी अगर आपको सपने में उल्लू के दर्शन हो जाए तो आपके घर धन आगमन का प्रतीक होता है। नवरात्र के 9 दिन में अगर 16 श्रृंगार में कोई भी औरत आपको दिख जाए दिन के समय, तो समझ जाए कि माता रानी की कृपा आप पर बरस चुकी है और आने वाले दिनों में आप अपने आर्थिक, सामाजिक और जो भी आपके परेशानियां चल रही है वो सभी आपके जीवन से दूर हो जाने वाली है। साथ ही साथ नवरात्र की पूजा में नारियल और कमल का फूल बहुत ही विशेष महत्व रखता है। हंस भी माता सरस्वती का वाहन माना जाता है, इसलिए इन दिनों में अगर नारियल, हंस और कमल का फूल आप सुबह सुबह देखते हैं तो समझ जाए कि माता रानी की कृपा आप पर बरसने वाली है या फिर बरस चुकी है। ऐसे में माँ सरस्वती की विशेष कृपा मानी जाती है। संभव होता है कि आगे के दिनों में इनकी कृपा से आप अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं और अपने ज्ञान की मदद से बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। आम दिनों में तो आपको घर से निकलते गाय का दिखना शुभ माना जाता है, ये तो हर कोई जानते हैं। अगर नवरात्र के दिनों में मंदिर से निकलते ही आपको गाय दिख जाए, विशेषकर सफेद गाय दिख जाए, तो समझ लें कि माता रानी की कृपा आप पर बरस चुकी है या फिर जल्द ही आपने जो भी मनोकामना मांगी है वो पूर्ण हो जाएगी। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि संकेत कुछ अनायास होने वाली चीजों को ही माना जाता है, जो रेगुलर होते हैं उसे नहीं मानते। जैसे अगर आप गौशाला के पास रहते हैं और हर दिन गाय को देखते हैं सुबह से शाम तक, तो ये उसके लिए सामान्य बात है, ऐसे में इसे हम संकेत नहीं मान सकते। वैसे तो सामान्य जीवन में सांप का दिखना हर किसी को डराता है और सपने में भी सांप दिखता है तो मानते हैं कि काल सर्प दोष होता है, लेकिन ये आपको शुभ संकेत भी देता है। इन 9 दिनों के बीच अगर आप किसी यात्रा पे जाते हैं और अगर आपको अपनी दाहिनी ओर सांप या बंदर दिख जाए, या सपने में सफेद सांप या सुनहरा सांप दिख जाए, तो ये देवी की कृपा होने के संकेत हैं। अगर आपको काला सांप दिखाई दे तो ये बिल्कुल काल सर्प दोष का प्रतीक होता है। और अगर आप सुबह सुबह घर से निकलते ही आपको गन्ना दिख जाए, यूजुअली ये दोपहर के समय ये देखा जाता है, तो समझ लें कि आपकी पूजा स्वीकृत हो गई है और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बन चुकी है। ऐसे में आप अपना हर काम निर्भय होकर करे बिना डरे, क्योंकि आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। लेकिन ध्यान रखें, ईमानदारी में कमी नहीं होनी चाहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर सुबह सुबह आँख खुलते ही अचानक से पूजा या घंटी की ध्वनि सुनाई दे, शंख की ध्वनि सुनाई दे, तो समझ जाए कि माता रानी की कृपा आप पर बरस चुकी है और माता रानी आपके घर में पधार चुकी है। बहुत ही शुभ संकेत है। और ध्यान दें कि कौन कौन से संकेत आपको मिल रहे हैं इस नवरात्र में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।